क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा ना कि आप 23 मार्च के दिन जब पेपर देने जाओगे तो काफी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कवर करूंगा। बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। इनमें से कौन सा उर्दूताज पदार्थ नहीं है, तो देखिए आयोडीन, नमक, कपूर की अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नमक एक ऐसा पदार्थ है जो उर्दूताज पदार्थ नहीं है, बाकी सब क्या है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? देखो ये है उपधातु है, और उपधातु हम उन्हें कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें अपन कहा जाता है उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, बच्चों के मन में शंका होती है, तो रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज की थी, किसकी की थी, कोशिका की खोज, लेकिन कोशिका में केंद्रक को किसने बताया था, वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भैयू, चलिए, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? देखो इसकी ट्रिक है, जैसे जल है और जैसे ही जाइलम, तो ये जाइलम आ जाएगा। आप देखो जैसे जल और जैसे जल से क्या जाएगा, जाइलम, तो जाने की जाइलम किसका घर काम करेगा, जल का संवहन का। फांसे फल और फांसे आ जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम किसका काम करेगा, फल का, है ना, भोजन का काम करेगा। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन कहते हैं वेग, क्या कहते हैं, वेग। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यहाँ से, इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 4, 5, 6। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थाई ऊतक की कोशिकाएं, स्थाई ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित रहता है, तो यहां पर जाएगा प्रथम, हो गया। इसके आगे बढ़ कि आपको ए बी सी डी चार पेपर दे रहा हूं, चारों पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, 90-95% बनाने, तो दो पेपर करोगे तो 60% की जवाबदारी है। तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का जाएगा सी। केंद्रक की खोज आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, इसका जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। शुद्धता, दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लैक्टोमीटर। यहां से आप मेज द कॉलम देख सकते हैं, ये हो गया इतना। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? द्रव जो है वो 3 अवस्था में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम क्या कहेंगे, मंदन। क्या कहेंगे बाबूजी, मंदन। दो या दो से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यहां से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये हो गया इतना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा।
सिक्स को, सिक्स में आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो पांचवा जो है सत्य सत्य है। कोलाइड एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण है, गलत है, क्योंकि कोलाइड क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल राइट बात है। यहां से आपका तीसरा चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा बिल्कुल असत्य रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर छः से, तो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीन शॉट लेंगे। अभी सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है? आप तो निश्चिंत रहो, ये क्वेश्चन नंबर सात है, ये क्वेश्चन नंबर आठ रहेगा आपका, हो गया इतना। इसके बाद में रदरफोर्ड से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएँ बताइए। कैथोड किरणों के दो प्रमुख गुण लिखना है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र क्या का के क्या कार्य हैं? किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। पौधों में मुख्यतः ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सदिश राशि को परिभाषित कीजिएगा। मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक आपको देना है, ठीक है? यदि हम बात करें बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक देख लीजिएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यहाँ से आप बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये 16 हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, है ना। 19 के बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखना है। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी। आयनिक यौगिक और आण्विक यौगिक में उसे आप क्या समझते हैं, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का थवा। यहाँ से चाल और वेग में अंतर, कोई चार दूरी और विस्थापन में चार अंतर बताना है। पराध्वनि और पराध्वनि से अनुप्रयोग, अनुप्रस्थ और अनुधेरी तरंगों में अंतर बताइए। ये तो बेटा अपना पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है छठा, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण, कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा, ठीक है भैया, या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। तो देखिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका हो गया ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो सात है वो है कोलाइड के दो गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर, बढ़िया से मैं जब कहूँ, जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में को उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कैथोड किरण के को ही दो गुण लिखिए, ये यहां से हो जाएगा। कैथोड किरणों के क्या है, कोई दो गुण लिखना है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखनी है। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र सहित बनाइएगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में आ गया रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य, यहाँ पर देखिए किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना है। तो ये आपका पेशी रेशा हो गया, यहाँ से रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये रहेगा आपका यहां से, चलिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे राशियां जिनमें जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन कहते हैं सदिश राशि।
उत्वाहे मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है आपको। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। हो गया भाई उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख सकते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। देखो घर्षण के क्या क्या लाभ है, देखो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, रुक सकते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं, ठीक है भैया। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है, ये हो गया। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या तथा अनुप्रयोग लिखिए। ये सिद्धांत हो गया और ये इसके अनुप्रयोग हो गए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई तीन अंतर बताना है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये हो गया भाई उतना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण दीजिए। हरी खाद क्या, इसके लाभ तो ये यहां पर देख लीजिएगा। हरी खाद का मतलब क्या है? फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधों जैसे बरसी उगा लेते हैं, पटसन उगा लेते हैं, ग्वार उगा लेते हैं, उनको उगा लेंगे फिर उस पर हल चला देंगे, और मतलब वो कटाई नहीं करेंगे, वो हरे का हरा को बखर फेर देंगे अपनी, सीधी सी बात है। तो जब जैसे उस पर अपन बखर कर देंगे ना, तो बस इसे क्या दें अपन, उसके ऊपर लोटर वेटर से चूर देंगे उसे मिट्टी के साथ, तो बस वही क्या है, वो हरी खाद कहलाई। और क्या इसके लाभ क्या है, इससे जल धारण की क्षमता बढ़ती है, पौधों में उत्पादन वृद्धि बढ़ती है, मधुमक्खी पालन प्रसंचित पर टिप्पणी लिखिएगा ये।